हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। और इसमें जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसमें देखेंगे आज, वो कंटिन्यूएशन ऑफ वीडियो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैटर। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, जिस समय कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड जोन में रख दिया जाए तो दैट फोर्स यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ आई एल क्रॉस बी, एंड द फोर्स इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ऑन द लेंथ। यू कैन आस्क दैट हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ डायरेक्शन। तो लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ करेंट के कंसिडरेशन में रहेगा। लेंथ के डायरेक्शन के बेसिस को हम करेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही डिस्टिंग्विश करेंगे और उसके बेसिस पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया था कि लेंथ फोर्स जो है दैट विल बी फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू लेंथ एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट रूल यू कैन फाइंड आउट। नाउ इसमें लेंथ जो कंसिडरेशन होगा, जो यहाँ पे लेंथ आप देख पा रहे हैं, दिस लेंथ इज एक्चुअली इफेक्टिव लेंथ। जैसे यहाँ पे एल और एल को कंसिडरेशन किया गया था, तो इन दोनों के कारण से जो नेट फोर्स कंसिडरेशन होगा वो नेट फोर्स जो हम लोग वेक्टर फॉर्मेट पे निकालेंगे कि ये फोर्स एक आई एल बी है, दूसरा फोर्स भी आई एल बी है और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी रूट अंडर रूट टू एफ, यानी एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों सेम वैल्यू है। तो रिजल्टेंट फोर्स यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन से इट विल बी रूट टू एफ। आई हैव रिटन हियर दिस रूट टू एफ। तो इस तरीके से आपको जो है जब भी नेट फोर्स निकालना होगा तो वेक्टर सम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि वहां पे हम उसके वेक्टर फॉर्म के बेसिस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सिंगल लेंथ ना दे करके कुछ डिफरेंट शेप एंड साइज दिया जा सकता है, लाइक सेमी सर्कुलर काइंड यू कैन गेट ओवर देयर, और ट्रायंगुलर फॉर्मेट यू कैन गेट ओवर देयर, और रेक्टेंगुलर फॉर्मेट यू मे गेट। तो इन सब केसेस के बेसिस पे आपको खुद से सोचना होगा कि जो भी कंडक्टर रखा हुआ है हर कंडक्टर पे आप फोर्स निकाल लीजिए एंड देन यू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ओवर देयर, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दीज आर द एग्जांपल व्हिच ऑलरेडी आई डिस्कस्ड हियर। ये यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर आप देख पा रहे हैं, इसमें इफेक्टिव लेंथ जो है इसका सेमी सर्किल है, तो टू आर कंसिडरेशन होगा, और जब कंप्लीट सर्किल फॉर्मेट में रख दिया गया है जो लॉग फॉर्मेट में होगा तो उस केस में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो है आपको इफेक्टिव लेंथ, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ नहीं होगा। तो इसके कारण से एक, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाफ पार्ट में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, हाफ पार्ट में फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर लेगा, नेट फोर्स विल बी जीरो, बट देयर विल बी सम टेंशन इन द दिस कंडक्टिंग वायर हियर इट इज, दैट टेंशन यू कैन राइट हियर इट इट विल बी बी आई एंड आर, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। नाउ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग लूप, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्क ऑन ए करेंट कैरिंग लूप। तो टॉर्क निकालने के लिए जो आपके पास कंसेप्ट है वो टॉर्क हम रोटेशनल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग टॉर्क कैसे निकालेंगे, लेट्स सी दिस। नॉर्मली टॉर्क जो आप रोटेशन में पढ़े हुए हैं दैट इज टॉर्क इज दिस इज आर क्रॉस ऑफ एफ, यानी फोर्स का मोमेंट क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। सो टॉर्क जब भी हम निकालते हैं तो वहां पे पोजिशन वेक्टर एक विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ रहेगा और वहां फोर्स रहेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम टॉर्क निकालेंगे। दूसरा रिलेशन टॉर्क का निकालने के लिए हमने आपको बता रखा था कि टॉर्क एक्सटर्नल जो होगा दैट टॉर्क एक्सटर्नल यू कैन राइट हियर दिस इज आई, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज। सो नॉर्मली हम जैसे फोर्स को लिखते हैं तो फोर्स जो होता है वो डीपी बाई डीटी होता है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, इट इज डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, यू कैन राइट लाइक दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस काउंटर पार्ट व्हाट फोर्स आई एम राइटिंग हियर टॉर्क, एंड पी विल बी, पी इज द लीनियर मोमेंटम हियर, इन केस ऑफ रोटेशनल इट विल बी एंगुलर मोमेंटम, सो दिस इज डी एल बाय डी टी। तो
इसके बेसिस पे भी आप टॉर्क को निकाल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट वी कैन फाइंड आउट टॉर्क हियर इट इज। सो दीज आर द टू मेथड विच थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट द टॉर्क इन केस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। बट जब हम करंट कैरिंग लूप के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेट्स सी, इट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आई एम कंसीडरिंग इट एंड इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब आपको दिया हुआ है, व्हेन इट इज गिवन टू यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी इज गिवन यूनिफॉर्म, एंड लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग दैट वन क्वाइल इज केप्ट इन साइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस वी हैव अ क्वाइल। इस तरह का एक क्वाइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। इस क्वाइल में करंट का जो डायरेक्शन हम एज्यूम कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन से आपको करंट जा रहा है इसमें। दिस इज द डायरेक्शन व्हिच आई एम मेंशनिंग हियर। करंट इस डायरेक्शन से होते हुए इस तरह से करंट यहाँ पे बाहर आ रहा है। दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड। अब इसमें जो है आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज करंट टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर नंबर ऑफ लूप्स दिया हो रहेगा तो उसको भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, बट इफ इट इज नॉट नंबर ऑफ लूप्स मेंशन हियर, नंबर ऑफ लूप्स, तो उस केस में जो है आपको करंट मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोग लिखेंगे, दिस इज आई करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया, एंड देन एरिया वेक्टर। एरिया का जो वेक्टर होगा दैट डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू द सर्फेस। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जिधर एरिया का डायरेक्शन होगा उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। लेट सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी, दिस इज द एक्सिस ऑफ व्हाट यू कैन से, दिस एक्सिस आई एम कंसिडरिंग हियर, दैट इज वन एक्सिस ऑफ दिस प्लेन, एंड दिस जिस प्लेन में ये आपको लूप रखा हुआ है उसी प्लेन में ये एक्सिस हम इमेजिन कर रहे हैं जो कि इसके रेक्टेंगुलर लूप के जस्ट बीचों बीच जा रहा है। दैट इज द थिंग हियर। नाउ इसका जो एरिया होगा जिस प्लेन में ये रखा हुआ है उसके नॉर्मल होगा। तो मान लेते हैं जिस तरफ एरिया होगा दैट एरिया डायरेक्शन इज दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन, इट इज जिस प्लेन में ये लूप रखा हुआ है, ठीक है। अब जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा, और इसके बेसिस पे जो फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द केस वन। केस वन में मैग्नेटिक मोमेंट वी नो दैट इट इज आई टाइम्स ऑफ ए दिस इज, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर। हियर आई एम कंसिडरिंग इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लूप में आपने जिस मैग्नेटिक फील्ड जोन में इस लूप को रखा गया है, करंट कैरिंग लूप को रखा गया है, रेक्टेंगुलर लूप को रखा गया है, यानी कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर, दैट इज द मीनिंग व्हाट इट इज यूनिट वेक्टर। यहाँ पे टॉर्क जो होगा दैट टॉर्क विल बी दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, इट विल बी दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी हियर इट इज। इसका जो मैग्नेटिक ये आएगा आपको ये एम क्रॉस ऑफ बी दैट विल बी द टॉर्क। ऐसा आपने डायपोल में भी पढ़ रखा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और या इस तरीके से हम एक डायपोल को रखते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और इस डायपोल के बीच का जो ये एंगल है लेट्स सपोज थीटा, आई एम कंसीडरिंग हियर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन। तो इसमें आपने टॉर्क में पढ़ा होगा दिस इज पी क्रॉस ऑफ ई। पी इज व्हाट? पी इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज ऑन द डायपोल इट इज, एंड देन द लेंथ बिटवीन द चार्जेस, लेंथ बिटवीन द चार्जेस इफ आई कंसिडर यर 12। सो ये आपका जो है टॉर्क होता था किसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल। इस टॉर्क में और इस टॉर्क में क्या अंतर है? यहाँ पे जहां मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां डायपोल मोमेंट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक, वहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओनली दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क निकाला था उसी तरीके से यहाँ पे भी है, बट यहाँ अंतर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट की जगह पे, सॉरी डायपोल मोमेंट के जगह पे जो है मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा?
दिस विल बी एमबी विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि ये तो परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा जो होगा दैट विल बी वन, एंड इसके कारण से मैक्सिमम वैल्यू वन, दिस एमबी ऑनली। अब इसी में पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा इस डायपोल इस क्वाइल का इन केस ऑफ मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क हो रहा है तो आप जानते हैं कि टॉर्क और वर्क रिलेटेड होता है। इस केस में टॉर्क में एक और रिलेशन आप लिख सकते हैं कि टॉर्क जो होगा, जैसे हम लोग निकालते हैं एफ इज इक्वल टू दिस सॉरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यानी कि एलिमेंटल वर्क जो होता है वो एफ डॉट डी आर होता है। इसका काउंटर पार्ट डी डब्ल्यू का अगर हम रोटेशनल बेसिस पे लिखने हैं तो फोर्स का काउंटर पार्ट को लिखना होगा, दैट इज टॉर्क, एंड डी आर इज द पोजिशन वैक्टर हियर और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टॉर्क से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो एलिमेंटल वर्क निकलेगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर टोटल वर्क यहाँ पे निकल जाएगा। और हम ये जानते हैं कि वर्क जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क आप निकालेंगे दैट विल बी निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आई एम राइटिंग हियर, दिस इज एम डॉट ऑफ बी, ये रिलेशन। तो जिस समय एम और बी परपेंडिकुलर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम और बी क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से आप इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में भी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सीखे होंगे, दिस इज सिंपली इट इज पी डॉट ऑफ ई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब डायपोल में हम निकालते हैं तो पी डॉट ई माइनस करते हैं, यहाँ पे एम डॉट बी करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो व्हेन व्हेन इट विल बी परपेंडिकुलर, व्हिच विल बी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। दिस इज केस वन व्हेन मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर। द सेकेंड केस व्हाट वी आर हैविंग इज केस टू। केस टू में आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक। व्हाट डज इट मीन कि जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये क्वाइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन इट विल बी। मान लेते हैं कि इस तरह का एक क्वाइल है, इस तरह का क्वाइल मान, तो लेट्स सपोज दिस एक्सिस आई एम कंसीडरिंग हियर, दिस इज द एक्सिस जो कि क्वाइल के बीचों बीच जा रहा है, और इस केस में इस तरफ जो है इसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हियर। इफ यू सी दिस इज द डायरेक्शन व्हिच आई एम कंसीडरिंग दैट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्वाइल, और इस डायरेक्शन ये आपका डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पैरेलल देख रहे हैं। तो टॉर्क अगर निकालना चाहेंगे तो टॉर्क तो हम जान रहे हैं कि एम क्रॉस ऑफ बी होता है, तो टॉर्क अगर एम क्रॉस ऑफ बी होता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। और ये क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो ये केस में आपका मिनिमम टॉर्क होगा, इसमें टॉर्क जो है जीरो हो रहा है, और दैट टॉर्क इज कॉल्ड मिनिमम टॉर्क हियर। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इफ यू वांट टू फाइंड आउट, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस ऑफ एम डॉट बी, और एम डॉट बी क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है वो पैरेलल होने के कारण से जीरो होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको माइनस ऑफ एम बी आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस एम बी है, मिनिमम टॉर्क जो है वो जीरो है। अब अगर ऐसा हो कि ना तो पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो कुछ एंगल बनाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि केस थ्री हम लोग देख लेते हैं। केस थ्री जिस केस में कि देर विल बी सम एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये थीटा है। जब ऐसा होगा उस केस में हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में सिंपली आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, दैट विल बी द रिजल्ट।
इस केस में हम पॉइंट वाइज करके हर रिजल्ट को लिख रहे हैं। दिस व्हाट आई एम राइटिंग इज इफ थीटा इज जीरो, थीटा जीरो जब होगा तो इस केस को हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा जीरो केस हम लोग देख चुके, तो दिस केस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट सेकेंड केस वी आर हैविंग व्हेन थीटा इज, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो इस केस में क्या होगा कि 180 का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इन दिस केस वी आर हैविंग एम बी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि माइनस ऑफ एम बी एम डॉट बी, तो एम डॉट बी कॉस 180 आएगा, कॉस 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज द केस वेयर वी आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम केस। तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो ये अनस्टेबल केस हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी वाले वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करके। हम लोग वहां पे ये चीज देखे थे कि कब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो उस केस में स्टेबल होगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम होगा तो उस केस में क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, केस थ्री वी आर हैविंग, सॉरी नेक्स्ट ए बी एंड सी रिजल्ट आई एम राइटिंग व्हेन देर विल बी सम एंगल थीटा, बिकॉज 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री आई हैव डिस्कस नाउ। सो व्हेन देर विल बी सम एंगल थीटा बाय दैट टाइम टॉर्क यू कैन राइट इट इज, टॉर्क इज एम बी साइन ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम क्रॉस बी इट विल बी एम बी साइन थीटा। तो ये तो टॉर्क हो गया आपका, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा, और डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालेंगे टॉर्क। नेक्स्ट अगर इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इट विल बी एम बी कॉस थीटा। सो दीज आर द केस व्हेन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड लेट्स सपोज दिस आई एम कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉयल। तो इस पे इसके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे देगा, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दैट विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में अगर कोई वर्क डन निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। तो एक रोटेशन का जो एंगल है थीटा वन से अगर थीटा टू पे वो रोटेट कर पा रहा है, थीटा वन इज द इनिशियल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट, एंड थीटा टू इज द फाइनल एंगल बिटवीन, अगर हम यहाँ से यहाँ रोटेट करा पा रहे हैं किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण से, तो उस केस में वर्क डन अगर आप निकालेंगे तो आई टोल्ड यू कि वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड में जो है वो निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। चेंज मीन्स इट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल, उसका माइनस करेंगे। तो अगर हम चेंज डेल्टा यू को लिखते हैं, दिस इज यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, इसमें जब माइनस लगाएंगे तो यू इनिशियल जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू इनिशियल को पॉजिटिव वे में अगर हम लिख लें तो वो हो जाएगा आपको एम बी और उसका कॉस थीटा वन, देन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू। सो दिस इज द वे यू कैन राइट फॉर द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग इट फ्रॉम द थीटा वन पोजिशन टू थीटा टू। सो दीज आर द केसेस जो कि आपको मेन में एडवांस में इसी कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज वॉट यू कैन गो फॉर एवरी कंसेप्ट इट इज, एंड इफ इट इज क्लियर यू कैन सॉल्व द न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज। ओके, सो टॉर्क का जो कंसेप्ट था आपको मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी वर्क, ये कंसेप्ट को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग द टॉपिक इट इज फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर। दो वायर में जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस बीच में हम फोर्स कैसे निकालेंगे या उस बीच में क्या फोर्स होगा, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे दो केस कंसिडरेशन होगा, जब दोनों वायर में आपको सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। लेट सपोज आई एम कंसिडरिंग टू टू वायर, एक में जो है आपको करंट I1 जा रहा है और
दूसरे में करंट I2 जा रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज फर्स्ट केस आई एम कंसिडरिंग। और दूसरा केस है कि जिसमें दोनों वायर में जो करंट जा रहा है, एक में जो करंट जा रहा है दिस इज व्हाट I1, एंड दूसरे में जो है I2 जा रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि डी है, दोनों वायर के बीच का सेपरेशन इज गिवन टू यू, डी डी इज द सेपरेशन टू यू। तो जिस समय आपका दोनों वायर पैरेलल हो, दिस इज केस ऑफ पैरेलल, व्हाट इट इज कॉल्ड, वन पैरेलल करंट एंड दिस इज एंटी पैरेलल करंट। तो जब पैरेलल करंट होगा उस केस में क्या करेंगे, पैरेलल करंट के केस में आप यहाँ पे देखिए कि जो करंट पास कर रहा है, जो करंट पास कर रहा है I1 और I2, इसमें हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कि I1 के कारण से डी डिस्टेंस पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड जोन में ये एक पर्टिकुलर लेंथ कंसिडर किया जाएगा इस वायर का, जिस वायर का लेंथ मेंशन है और उसमें करंट जा रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो I1 को अगर हम काउंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए, तो इसके कारण से इस जोन में, जिस जोन में I2 करंट जा रहा है और इसका लेंथ दिया हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस हो रहा है। इस B1 में एक करंट कैरिंग वायर I2 रखा हुआ है जिसका लेंथ L है। तो अभी हम लोग देखे थे फोर्स निकालने के लिए IL क्रॉस B। तो क्या होगा कि इस पे अगर हम IL क्रॉस B लगाएंगे तो इस पे फोर्स जो है, यानी टू वायर पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, यानी कि I1 की तरफ होगा। लेट सपोज दिस आई एम कंसिडरिंग द F फोर्स। इन द सेम मैनर अगर हम I2 को कंस्टेंट मान लेते हैं करंट को और इस जोन में निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड जिधर I1 है, क्योंकि I करंट के कारण से आपको क्या हुआ, इस वायर को हम मान रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम मान रहे हैं, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर मान रहे हैं, तो इन्फिनाइट वायर की तरह I2 करंट के कारण से इस जोन में मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, जिस जोन में आपका करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर B2 बिल्ड होगा और इसका अगर हम लेंथ कुछ कंसिडर कर लेंगे इस पे, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं इस केस। ये वैसे इनफिनाइट वायर है, अभी इनफिनाइट वायर है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट इस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि इस करंट के ये लेफ्ट में है, तो इस केस में जो है यहाँ पे डॉट फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो B2 होगा प्रोड्यूस यहाँ पे वो डॉट फील्ड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि B2 का अगर डॉट होगा तो इसके कारण से I1 जो करंट जा रहा है आपका फर्स्ट वायर में, उस पे किधर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अगर यहाँ डॉट फील्ड हो गया जो कि B2 हो रहा है, जो I2 करंट के कारण से हो रहा है, तो इस पे फोर्स जो है इस तरफ लग जाएगा, यानी कि राइट की तरफ लग जाएगा। तो ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस समय पैरेलल करंट है, पैरेलल करंट है, उस केस में क्या हो रहा है कि जो एक वायर पे फोर्स जो है लेफ्ट की तरफ लग रहा है, एक वायर पे फोर्स राइट की तरफ लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे अट्रैक्शन, कि यहाँ पे इस केस में जो वायर होगा वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। इन द सेम मैनर इफ यू गो फॉर दिस वन, जिस समय एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो वायर है इस पे आउटवर्ड फोर्स लग जाएगा, इस पे भी आउटवर्ड फोर्स लगेगा, इन द सेम कंसेप्ट व्हाट वी हैव डन। तो इस केस में क्या होगा कि जब दो एंटी पैरेलल फॉर्मेट में आपको करंट फ्लो कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। यही दो कंसेप्ट है जो आपको जानना है और इसका एप्लीकेशन है। बट इसमें फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि पर यूनिट लेंथ, लेंथ के कंसिडरेशन में इसको बोला जाता है F/L। L जो हमने कंसिडर किया है, जो इनफिनाइट वायर है उसमें L लेंथ को ही हम कंसिडर करेंगे, तभी हम उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को अगर रख दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड जोन में, तो उस पर फोर्स हम तब निकाल पाएंगे जब उसके लेंथ के बारे में हमें आइडिया हो। तो लेंथ के बारे में आइडिया हो, तो लेंथ तो दिया हुआ नहीं है, तो हमने लेंथ मान लिया और उसके बेसिस पे एफ फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। तो दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी गेटिंग μ1 I1 I2 / इट इज 2π m d। तो ये रिलेशन हम लोग निकाले हैं। इसको निकालने के लिए हम आपको कंसेप्ट बताए थे कि अगर हम I2 वायर पे निकालेंगे तो I2 का लेंथ और B1 कहाँ से आएगा, B1 ये करंट वन वाला जो है वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, उस पे ये फोर्स लगेगा, किस पे, सेकेंड वायर पे। और यही उसी तरीके से आप अगर B1 को लिखोगे तो यहाँ पे इट इज I2 L एंड B1 हो जाएगा μ0 I1 / 2π d। और इसके बेसिस पे हम फोर्स L को इधर की तरफ ले आएंगे, तो L जो है इस तरह से आ जाएगा, दिस इज
म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड बाय 2 पाई डी। वी वॉन्ट गो मोर इन डिटेल्स क्योंकि टाइम कम है, इसको जल्दी से करना है। नेक्स्ट, अगर इसी में आपको खाली फोर्स निकालना होगा तो हम एल को मल्टीप्लाई कर देंगे कि एल लेंथ अगर मेंशन रहेगा कि 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे कितना फोर्स लगेगा, तो बाय दैट टाइम वी कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन पर्टिकुलर सेगमेंट। तो फोर्स ऑन ए सेगमेंट ऑफ लेंथ है, अगर लेंथ हमें मेंशन कर दिया जाए कि इस लेंथ पे निकालो, तो बस वो लेंथ को हम इधर की तरफ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एल से, जिस लेंथ पे निकालना है। तो इस तरह से आप दो वायर के बीच में जब पैरेलल करंट होगा या एंटी पैरेलल करंट होगा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन होगा या डायरेक्ट भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिलेटेड आप। ओके, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है कि इसी का एक एप्लीकेशन है कि अगर करंट इस तरह से एक इनफिनाइट वायर में करंट आई वन जा रहा है मान ली, और इससे डी डिस्टेंस पे, यहां से डी डिस्टेंस पे एक इस तरह से वायर रखा हुआ है, जो ये जो वायर है इसका लेंथ हमें दिया गया है कि ये आपको पी वन एंड है, क्यू दूसरा एंड है, और इसका लेंथ एल, और इसमें करंट आई टू जा रहा है, आई टू, इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो ये वायर में क्या होगा कि ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन, जब भी आप इस पॉइंट पे निकालोगे इस करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डी डिस्टेंस पे है, फिर जब आगे बढ़ोगे तो ये चेंज करेगा, ये चेंज करेगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि इस वायर से हम लोगों को एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस मान लेंगे, और यहाँ एक डी एक्स सेगमेंट मान लेंगे, डी एक्स, डी एक्स, और एक्स डिस्टेंस के कारण से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस इज म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। एक्स डिस्टेंस पे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो कि एक्स के वेरिएशन से वैरी करेगा हमेशा, और ये तो हम देख रहे हैं कि जो पी पॉइंट है और जो की क्यू पॉइंट है, तो पी से जैसे जैसे आप बढ़ोगे क्यू की तरफ तो आपका एक्स वेरिएबल होगा, तो बी वेरिएबल हो गया यहाँ पे। तो जब बी वेरिएबल होगा तो इस केस में आपको फिर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डीएक्स वाले पार्ट पे, जो डीएक्स लेंथ यहाँ कंसिडरेशन हुआ है, डीएक्स कितने लेंथ पे करंट इधर की तरफ जा रहा है, आई टू इधर की तरफ जा रहा है इस तरफ, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण से इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लग जाएगा। तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग डी एफ बोल देंगे, और डी एफ कैसे निकालेंगे, तो जो इस डी एक्स में करंट जा रहा है उस करंट का वैल्यू आई टू, इस डी एक्स का लेंथ डी एक्स, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप है वो आई वन के कारण से, उसको यूज करेंगे बी एक्स, और फिर इस फॉर्म को आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी कैन फाइंड आउट फोर्स। सो दिस इज व्हाट यू कैन से हियर, इट विल बी आई टू देन डी एक्स वैल्यू एंड देन म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दैट इट इज म्यू नॉट आई वन आई टू, ये तो कॉन्स्टेंट है, सो एंड डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड देन यू कैन हैव दिस डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इंटीग्रेट इट। अब ये इंटीग्रेशन लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, क्योंकि एक्स का वेरिएशन डी से स्टार्ट ही हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, ये पूरे का पूरा लेंथ जो है पी क्यू का एल दिया हुआ है, तो इट विल बी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम डी टू, इट इज डी से स्टार्ट होगा डी प्लस एल तक जाएगा, दैट्स इट, इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट विल बी द रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इट इज। तो इस केस में अगर हमें ये निकालना हो कि फोर्स जो है पी क्यू वायर पे कितना लगेगा, तो दैट वी कैन फाइंड आउट, इट इज म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय, इट विल बी 2 पाई, एंड देन वी हैव एल एन हियर, और इसके वैल्यू को रखेंगे एल एन एक्स, तो डी प्लस एक्स, डी प्लस एल एंड माइनस ये डी आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज एल बाई डी, दिस इज फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से जब भी दो वायर दिया हुआ रहेगा तो फोर्स अगर निकालना होगा तो पहले वो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, इफ इट इज नॉट वेरिंग, तो उस केस में फिर कॉन्स्टेंट वाला केस या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला ही केस हो सकता है, लेकिन वेरिएबल वाले केस में इस तरह का होगा कि एक जो है आपको स्ट्रेट वायर है, दूसरा जो है फिर उससे जो है पर्टिकुलर लेंथ, अलग अलग लेंथ पे उसका पॉइंट डिस्टिंग्विश होगा, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो है हर पॉइंट पे अलग अलग होगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाएगा तो फिर आपको एलिमेंटल सेगमेंट को यूज करके इंटीग्रेशन को यूज करना होगा एंड देन ओनली यू कैन फाइंड आउट। इस केस में हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि इस वायर पी क्यू पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे जो है उस पे टॉर्क भी लगेगा एंड दैट टॉर्क ऑन पी क्यू आई एम जस्ट राइटिंग हियर इट वॉन्ट बी जीरो, यू कैन फाइंड आउट द टॉर्क ओवर देयर। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोगों को देखना है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या चीज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक तरह से एक डिवाइस है। दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल करेंट्स, स्मॉल करेंट को यानी कि मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, इस टाइप के करेंट को थ्रू द सर्किट अगर यूज करना हो तो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोग यूज करेंगे कि कन्वर्जन होता है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में या गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर में, उस कन्वर्जन को भी देखेंगे और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में टॉर्क कैसे निकाला जाएगा, टॉर्क हाउ यू कैन फाइंड आउट द टॉर्क वैल्यू दैट वी विल सी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, क्यों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे यूज किया जा रहा है आपको। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए कि जब भी करेंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड जोन में हम रखते हैं तो वहां पे एक टॉर्क का जो स्टार्टअप टॉर्क जो है वहां पे एक्ट होता है, उस पे टॉर्क कैसे लगेगा ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो टॉर्क वहां पे आएगा पिक्चर में और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगा आपको जो कॉइल दिया हुआ रहेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा और जिसके कारण से क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम जिस समय होगा या मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैक्सिमम टॉर्क कैसे वहां पे बिल्डअप होगा वो चीज हम लोग इसमें देख। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज सुटेबली प्लेस्ड। सुटेबली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी टॉर्क नहीं भी लगेगा तो इस तरह से उसको प्लेस किया जाएगा कि वहां पे टॉर्क लगे। सुटेबली प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही करंट कैरिंग कॉइल को रखा जाएगा तो उसपे टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि टॉर्क एक्ट्स ऑन इट, जैसे ही टॉर्क लगेगा उसी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसका पिक्चर क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। तो एक बड़ा सा नॉर्थ पोल है यहाँ पे और एक बड़ा सा साउथ पोल है और इस जोन में जो है एक राउंड शेप का हम लोग मान लेते हैं कि ये डायग्राम है इस तरीके से। कॉइल को रखा गया है और इसमें नॉर्थ से जो है मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन। सो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोर को रखा गया है जिस जोन में क्या है यहाँ पे इस कोर पार्ट में हम लोग देख रहे हैं और यहाँ ऊपर में जो है इसमें एक डिफ्लेक्शन मीटर लगाया जाएगा जिसके बेसिस पे आप देखेंगे कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेट सपोज दिस आई एम कंसीडरिंग और ये सेंट्रल पार्ट है जिससे वो अटैच होगा डिफ्लेक्शन मैग्नेट। यहाँ पे जो है इसमें एक कैलिब्रेशन को बिल्ड किया जाएगा, दिस इज व्हाट इट इज, कैलिब्रेशन होगा जिसके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो डिफ्लेक्शन होगा उससे कितना उसमें पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग उसको करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंटर है, दिस व्हाट वी आर हैविंग पॉइंटर, ये पॉइंटर। अब
इस केस में जो है, अगर हम इसमें क्या होता है कि इस पे जो कोर पार्ट है इस पे रैप रहता है बहुत सारा, इस पे रैप किया हुआ है जिसमें क्वाइल रैप किया हुआ सेंट्रल पार्ट, ठीक है। अब इसमें जो है आपका क्वाइल जो रैप किया गया है, और इस बीच वाले पार्ट में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन। तो ये सिलिंड्रिकल शेप आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग सिलिंड्रिकल शेप। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क क्या टॉर्क लगेगा, तो मान लेते हैं कि एन नंबर ऑफ क्वाइल्स है जिसमें आई करंट जा रहा है क्वाइल में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग यही चीज देखे थे कि टॉर्क जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, आई इज द करंट है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एन आई ए इज द मैग्नेटिक मोमेंट ओवर देयर, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे दो आपको समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, जैसे सिलिंड्रिकल पार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन रेडियल डायरेक्शन। व्हाट हाउ यू कैन से रेडियल डायरेक्शन, सो इस तरीके से आपका जो है टुवर्ड्स सेंटर पार्ट, यू कैन सी हियर दिस इज द डायरेक्शन, इस तरीके से। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है ये किधर जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इसका जो लाइन होगा वो इस तरीके से चला जाएगा, इधर वाला जो होगा वो इस तरीके से जाएगा, लाइकवाइज द मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इस तरीके से। आपको समझना है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पूरे टर्म को अगर यहाँ पे एंगल जो ट्विस्ट किया जाएगा, इसका जो रोटेशन हो रहा है यहाँ पे आपको ये क्वाइल का, तो इसमें अगर ट्विस्ट होगा, जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर कोई भी ट्विस्ट वाला केस का स्ट्रिंग से ये एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जाए और इसको जो है ट्विस्ट किया जाए कुछ एंगल थीटा से, अगर हम ट्विस्ट कर दें उसके बाद अगर छोड़ेंगे तो ये काउंटर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा इसका, अगर हम थीटा से इसको ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि आपका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो थीटा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट इफ इट इज थीटा, तो इस केस में क्या होगा कि इस पूरे टॉर्क को, टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा, दैट टॉर्क विल बी सम कांस्टेंट इनटू थीटा, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन दैट। तो इस टॉर्क को अगर हम थीटा यानी कि जो ट्विस्ट वाला टॉर्क हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क हो रहा है, अगर इन दोनों टॉर्क को हम बैलेंस करते हैं, इक्वेट करते हैं, जहां पे थीटा क्या है, थीटा एंगल ऑफ टर्न है, टर्न कितना कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर कितना टर्न कर रहा है, दैट ऑल्सो इट विल बी। और सी क्या है, सी यहाँ पे रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग कॉन्स्टेंट जिसको बोलेंगे, या रीस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट यू कैन से इट इज, सो इट इज रीस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट, ट्विस्ट के बेसिस पे ये सी का जो है। और सस्पेंशन वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो इसमें रैप किया गया है दैट इज गिवन टू यू, तो हाउ वी कैन रिलेट दिस विद द करंट सेंसिटिविटी। तो इस केस में अगर हम इस एन आई ए बी को, एन आई ए बी को सी थीटा के बराबर अगर करते हैं, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा, दिस आई विल बी इट इज सी थीटा डिवाइडेड बाय एन टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ये आ जाएगा आपका करंट का वैल्यू, ठीक है। अब ये करंट का वैल्यू जब आ जाएगा तो देर इज अ टर्म व्हिच इज नॉर्मली आस्क इन द क्वेश्चन कि करंट सेंसिटिविटी क्या हो, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी जो है ये कितना एंगल से ट्विस्ट हो रहा है, और इसमें विथ रिस्पेक्ट टू करंट, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट डिवाइडेड बाय द करंट व्हाट वी आर गेटिंग हियर, करंट वी आर गेटिंग हियर सी थीटा बाय एन ए बी एंड एन बी ए, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो थीटा इसका और ये थीटा कट जाएगा, तो दैट मीन्स कि आई जो है उसमें ये रिलेशन आ जाएगा आपको, दिस इज एन बी ए डिवाइडेड बाय सी, इस तरह से रिलेशन आएगा। तो इस रिलेशन को, एन बी ए बाय सी को हम लोग बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, दैट इज द वन थिंग विच कैन बी आस्क्ड
दूसरा इसमें होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग बोलते हैं दिस इज थीटा डिवाइडेड बाय वोल्टेज। जिसका सेंसिटिविटी रहेगा थीटा में हम उससे डिवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स कि इसमें वोल्टेज को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वोल्टेज को लिखने के लिए हम लोग आई टाइम्स करेंट टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल यूज करेंगे हियर। तो इस केस में क्या हो जाएगा? दिस विल बी थीटा डिवाइड बाय आई आर, आई का वैल्यू हम लोग यही यूज करेंगे। तो इस केस में थीटा थीटा कट जाएगा, तो इट विल बी एन बी ए डिवाइडेड बाय सी टाइम्स ऑफ आर। यहाँ पे एन क्या है? एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सी सी जो है रिस्टोरिंग टॉर्क पर ट्विस्ट है, और आर रेजिस्टेंस है। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट करेंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें समझने के लिए आपको, वो है कि कन्वर्जन कैसे करेंगे गैल्वेनोमीटर का एमीटर में। सो दिस इज द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग कन्वर्जन। ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। तो ये टॉपिक जो है आपको इस जेई एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई मेन में भी पूछे गए हैं। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक शंट को जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में। लेट्स सी द पिक्चर। मान लेते हैं कि ये आपका जो है गैल्वेनोमीटर है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग गैल्वेनोमीटर, एंड इस गैल्वेनोमीटर में हम एक पैरेलली शंट को जोड़ रहे हैं, यानी शंट मतलब एक रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, एक शंट को जोड़ दिए, ये शंट है। अब इसमें जो करंट आ रहा है, जो मेन करंट आ रहा है, दिस मेन करंट इज वी आर हैविंग आई। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट जिसमें हम आई जी बोलेंगे करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यू कैन से हियर, एंड दूसरा जो करंट होगा वो रिमेनिंग करंट यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस ऑफ आई जी। जो आई मेन करंट आ रहा था जंक्शन रूल को यूज करके, यहाँ पे रिमेनिंग करंट इसमें चला जाएगा। तो हम इसमें एमीटर किसको बोलेंगे? तो एमीटर जो है, यहाँ से अगर हम इस चीज को देखते हैं तो कंप्लीट जो सेटअप आपको दिख रहा है, दिस वन, इस पूरे सेटअप को हम लोग बोलेंगे एमिटर। तो एमिटर बनाने के लिए क्या करना होगा कि एक गैल्वेनोमीटर जो है उसमें एक शंट को हमें पैरेलल में जोड़ना होगा, दैट विल गिव यू एमिटर। अब ये जो शंट जोड़ा गया है इसमें उसका रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमने एस माना है, ठीक है। अब इसमें एक एक करके टर्म को आप समझिए, जो पूछा जाएगा वो यही चीज। आई जी किसको बोलेंगे? तो आईजी जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर है, दिस इज व्हाट यू कैन से इट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये है आपको आईजी, ठीक है। और आई क्या है? आई जो है ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ एमीटर, जो पूरा का पूरा एमीटर हमें बन रहा है उसका ये करंट आई, जो कि स्प्लिट हो रहा है एक आई जी में और आई माइनस आई जी में। तो दैट मीन्स आई जो होगा दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ एमीटर। जो एमीटर हम यहाँ बना रहे हैं उस एमीटर में जो करंट जाएगा दैट इज योर आई वैल्यू, ठीक है। और अब यही दो मेन चीज है जिसके बेसिस पे आप, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जो आई जी है और जो आई है इसमें अंतर क्या है। तो आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, और आई जो है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ एमीटर है। एमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर बना रहे हैं, तो एमीटर का करंट जो होगा वो मेन करंट है जो कि सर्किट में कहीं पे इस पूरे सेटअप को लगाया जाएगा। तो उसमें जो आई रीड होगा वो एमीटर का रीडिंग होगा, और आई जी जो होगा वो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा।
दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। अब आप देखिए कि जो संट यहाँ पे जोड़ा गया है ये पैरेलल में जोड़ा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो संट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा और जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तो सेम होगा। तो उस प्रिंसिपल को अगर यूज करते हैं तो इसमें क्या हम लिखेंगे नेक्स्ट में, तो आईजी का जो वैल्यू है आईजी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जी, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके बराबर होना चाहिए, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है संट का, तो पोटेंशियल ड्रॉप संट का निकालने के लिए जो करंट जा रहा है संट में वो हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे संट के रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे आईजी करंट कितना होगा, तो आईजी करंट इफ आई वांट टू फाइंड आउट तो आईजी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, एस इसमें मल्टीप्लाइड होगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो दिस विल बी यहाँ पे आईजी ये प्लस हो जाएगा आईजी इंटू जी एंड आईजी इंटू एस यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो व्हाट आईजी वी कैन राइट हियर, इट इज संट डिवाइडेड बाय संट प्लस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये दोनों एस जो है और जी जो है ये रेजिस्टेंस है, एस रेजिस्टेंस है संट का और जी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग मेन करंट आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल गिव यू आईजी करंट। कभी कभी संट के बारे में भी पूछ देता है आपको, तो संट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, तो एक रिलेशन ये आप याद रखेंगे जिसमें आईजी करंट निकालने के लिए मेन करंट जो एम्पियर का है वो, और जो रेजिस्टेंस है क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो जिसमें करंट निकालना है अपोजिट का रेजिस्टेंस संट बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू मेन करंट, यू कैन फाइंड आउट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन करंट हियर, यू कैन फाइंड आउट। अब इसमें दूसरा जो कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें संट का वैल्यू कितना होगा, हाउ यू कैन फाइंड आउट द संट वैल्यू, तो संट जो होगा दिस यू कैन फाइंड आउट ऑन बेसिस ऑफ द रिलेशन, हियर वी आर हैविंग गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय आई माइनस आई जी, इससे डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से इसको आप फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग आई डिवाइडेड बाय आई जी माइनस ऑफ वन, दिस इज द फाइनल रिजल्ट इट विल। तो संट निकालने के लिए भी कभी कभी पूछा जाएगा और कभी कभी आईजी पूछा जाएगा, कभी हो सकता है आपको आई ही पूछ ले, तो इसमें कितना वेरिएबल्स है, एक आईजी है एक आई है दो करंट है और दो रेजिस्टेंस, यानी चार वेरिएबल है, तो इसमें आपको तीन दिया हुआ रहेगा या तीन आप खुद से निकाल सकते, दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, तीन दिया हुआ रहेगा, चौथा आप निकाल सकते, लाइकवाइज यू कैन डू इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, दिस इज व्हाट, और इसी से रिलेटेड एडवांस लेवल के क्वेश्चन बिल्ड किए गए हैं, इसी से रिलेटेड इतना ही कंसेप्ट को यूज करें। द नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट यू आर हैविंग इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, टू वोल्ट मीटर, तो जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाएंगे तब का पिक्चर क्या होगा, इस केस में आपको ये चीज याद रखना है कि गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का, इसमें एक मेन करंट आएगा जिसको हम लोग आईजी बोलेंगे और इसी में एक रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे सीरीज में, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट यू कैन से, जैसे उसमें संट को जोड़ा गया था ऐसे इसमें एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ रहे हैं, और इस पूरे सेटअप को यानी कि गैल्वेनोमीटर में सीरीज में ही हमने जोड़ दिया है, इस पूरे सेटअप को मान लेते हैं कि यहाँ से आप पूरे सेटअप को अगर कहीं पे जोड़ेंगे किसी सर्किट में तो दिस विल बिहेव लाइक वोल्ट मीटर, इसको हम लोग कहीं पे जोड़ देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो डॉटेड पिक्चर आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखना है, इन दो यानी कि गैल्वेनोमीटर के एंड में और इस रेजिस्टेंस के एंड के बीच का अगर पोटेंशियल ड्रॉप आप मान लेते हैं कि वी है तो दिस इज व्हाट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इट विल बी, दिस इज व्हाट, इसको कहाँ पे जोड़ेंगे, इस सेटअप को किसी भी सर्किट में पैरेलली जोड़ेंगे, और उस सेटअप को कहाँ पे जोड़ेंगे एमीटर वाले को, उसको किसी भी सेटअप में सीरीज में जोड़ेंगे, दैट इज तो करंट को मेजर करेगा वो आई को मेजर करेगा एमीटर, करंट को मेजर करता है वोल्ट मीटर, क्या करेगा पोटेंशियल को मेजर करेगा, तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू लिया गया है ये काफी ज्यादा आर वैल्यू है, जो संट को लिया गया था वो काफी स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे संट जो हम लोग यूज कर रहे हैं दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस, व्हाट यू कैन से इट इज स्मॉल रेजिस्टेंस व्हाट वी आर हैविंग, लेकिन वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है दिस इज व्हाट वी आर हैविंग रेजिस्टेंस इन द वोल्ट मीटर,
ये आपको हाई रेजिस्टेंस को यूज किया जा रहा है. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, हाई रेजिस्टेंस. हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि इसमें कम से कम करंट है, कम से कम करंट है, सो दैट कि ये वोल्ट मीटर एक तरह से अच्छा वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करे. दैट इज द थिंग यू नीड टू कंसिडर हियर. तो वोल्ट मीटर का अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? द करेंट विच इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड द रेजिस्टेंस हियर, व्हाट द नेट रेजिस्टेंस, इट इज जी और आर, दोनों सीरीज में होगा, तो जी और आर को हम लोग सीरीज में जोड़ लेंगे. इस तरीके से क्या हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पे हम आर का वैल्यू अगर निकालना चाहे, जो कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू सीरीज में गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज बी डिवाइडेड बाय जी यहाँ पे, और इसमें से जो है कैपिटल जी को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी आर गेटिंग द दैट हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो इस तरह का डायग्राम जब भी हम यूज करेंगे तो इस सेटअप को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, कहाँ पे? किसी भी सर्किट में. तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा और उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस वोल्ट मीटर का डिवाइड बाय द आईजी वैल्यू हियर इट विल बी. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर, इट इज आईजी वैल्यू वी डिवाइडेड बाय आईजी. तो इस तरीके से हम लोग उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको निकाल सकते हैं. अब कभी कभी आपको ये चीज बोला जाएगा कि अगर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा. तो अगर आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस दैट विल बी जीरो, दैट विल बी जीरो. फिर आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? क्योंकि एमीटर जो हम लोग बना रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम रख रहे हैं, तो वो जीरो के बराबर ही होगा. दैट इज व्हाट, इफ इट इज आइडियल. अगर आइडियल वोल्ट मीटर हो तो वोल्ट मीटर जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं, इस वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो तो काफी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस है. तो अगर रेजिस्टेंस ऐसा हो जाए कि बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, यानी इनफिनाइट रेजिस्टेंस हो जाए, तो उसमें करंट नहीं के बराबर जाएगा. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर. तो इस केस में जो रेजिस्टेंस को इसमें जोड़ा जाएगा वो रेजिस्टेंस जो है इसमें इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट. दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. अब एमीटर को अगर हम कहीं कनेक्ट करेंगे तो एमीटर को सीरीज में करेंगे. एमीटर कनेक्शंस जो होगा, एमीटर इज कनेक्टेड, कनेक्टेड इन सीरीज. क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तभी वो इलेक्ट्रिक सर्किट का मेन करंट को रीड कर पाएगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये एक पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है. दूसरा ये पॉइंट है आइडियल के बारे में, दोनों आइडियल वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के बारे में. और वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इन पैरेलल अक्रॉस द डिवाइस, जिस डिवाइस का आपको वोल्ट मीटर यूज करना है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप, उस पोटेंशियल ड्रॉप इज टू बी मेजर्ड. तो जिस डिवाइस के पोटेंशियल ड्रॉप को हमें मेजर्ड करना है, उस डिवाइस में हम इस वोल्ट मीटर को कहाँ, किस तरह से कनेक्ट करेंगे? पैरेलली कनेक्ट करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन एंड द मेन फैक्टर, मेन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आइडियल गैल्वेनोमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, एमीटर, हाउ यू कैन कनेक्ट वोल्ट मीटर, हाउ यू कैन कनेक्ट, हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू एमीटर. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग मैग्नेटिज्म. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म में सबसे पहला टॉपिक है आपका बार मैग्नेट. बार मैग्नेट, बार मैग्नेट को समझने के लिए हम लोग एक मैग्नेट को ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज, लेट सपोज अ बार मैग्नेट वी आर हैविंग एंड दिस पोल वी आर हैविंग. लेट सपोज हियर दिस साइड वी आर हैविंग नॉर्थ एंड दिस साइड वी आर हैविंग साउथ. ठीक है, और इसका मैग्नेटिक लेंथ कैसे
मैग्नेटिक लेंथ की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक लेंथ जो यानी कि इस बार मैग्नेट का लेंथ होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज दिस, एक एंड से साउथ एंड से लेकर के नॉर्थ एंड तक के बीच का जो सेपरेशन होगा दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ जहां पे आपका नॉर्थ है, नॉर्थ एकदम कॉर्नर में नहीं होगा, साउथ एकदम कॉर्नर में नहीं होगा, कहीं पे एक पॉइंट हमने कंसिडर किया यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, एंड देर विल बी सम व्हाट इट इज कॉल्ड कि एंड टू एंड का जो लेंथ होगा, एंड टू एंड का जो लेंथ होगा इसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है उसका और जो मैग्नेटिक लेंथ है ये दोनों, इसमें थोड़ा सा का अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा का भी अंतर नहीं बट थोड़ा सा का अंतर रहेगा। तो पहला कंसेप्ट इसमें आपको जानना है, तो फर्स्ट कंसेप्ट व्हाट इट इज, ज्योमेट्रिकल लेंथ मान लेते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज इट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ व्हाट वी आर हैविंग इज, लेट्स सपोज इट इज 2L, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का इसको हम लोग 2L मान लेते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक लेंथ यहाँ पे होगा, इट इज मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ जो होगा दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज 0.84 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो इतना का अंतर है, यानी 1 मीटर का अगर ये होगा तो ये पॉइंट, ये जो है 0.84 मीटर का हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 84 सेंटीमीटर का हो जाएगा इसका मैग्नेटिक लेंथ जो होगा, दिस इज ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है। अब इसमें जो एक तीसरा है काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट को पोल स्ट्रेंथ से रिलेट किया है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज, इसका पोल स्ट्रेंथ एम अगर मान लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो इसका लेंथ है 2L से, तो दिस विल गिव यू मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, तो स्मॉल एम जो है यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग पोल स्ट्रेंथ। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं आप इस तरीके से डायपोल वाले केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल में, कि एक पे प्लस चार्ज है एक पे माइनस चार्ज है और इसके बीच का है। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होता था ये चार्ज और इसके बीच का लेंथ, यहाँ चार्ज की जगह पे क्या है, यहाँ चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो ये चीज ध्यान रखना है, पोल स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका मैग्नेटिक लेंथ के बीच में ही होगा, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, द थ्री थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द बार मैग्नेट। और इससे रिलेटेड अब हम लोग जो फाइनल रिजल्ट है कुछ उसको देख लेते हैं बार मैग्नेट से रिलेटेड, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिस इज व्हाट आई एम ड्रॉइंग, एक एक्सप्रेशन है जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, उसी को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस आई एम कंसिडरिंग द बार मैग्नेट एंड इट इज हैविंग साउथ दिस साइड एंड नॉर्थ दिस साइड। अब एक एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बार मैग्नेट को क्रॉस कर रहा है, एक्सिस मतलब इसी के लाइन ज्वाइनिंग में, मैग्नेट के नॉर्थ साउथ लाइन ज्वाइनिंग में एक एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन और इंड ऑन पोजिशन इसको बोलते हैं। तो ये एक्सियल लाइन हो गया जो मैग्नेट के एक्सिस से पास करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंड ऑन पोजिशन, इंड ऑन पोजिशन अगर बोला जाएगा, दिस इज व्हाट यू। इस मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो कितना है, इट इज 2L, इट इज 2L। और इस ज्योमेट्रिकल लेंथ, अब हम लोग क्या यहाँ पे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, दैट इज द थिंग, इट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ।